स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। क्लास के बड़े सिंपल फंडामेंटल रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन आ रही है मेरे बताने पर, तो हैंड रेज कीजिए। जब मैं रुकूंगा तो मैं स्क्रीन की तरफ देखूंगा और चेक करूंगा किस किस की क्वेरीज हैं। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए मेरे कहने पर, और उसके बाद आप अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। राइट, अगर बीच में मैं न्यूमेरिकल करने को देता हूं तो न्यूमेरिकल में थोड़ी सी अपनी स्पीड दिखानी है, और चैट में अपना आंसर लिख देना है, बीच में बोलना नहीं है, ताकि किसी दूसरे स्टूडेंट का हाथ ना रुके। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन लर्निंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए। राइट, कुछ बच्चे बीच में ज्वाइन किए, कुछ पहले ज्वाइन किए, तो एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देता हूं। हमारी क्लासरूम का सिस्टम सिंपल है, इट इज अ लर्निंग फॉर यू। आपकी अपनी लर्निंग है, आपका अपना क्लासरूम है, तो जब तक आपको कोई चीज क्लियर नहीं है दोबारा पूछ लीजिए, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। सेकेंडली, आपने दो कलर मिनिमम यूज करने हैं, चार कलर हो तो बेटर है। पहला कलर है थ्योरी लिखने के लिए और दूसरा कलर है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए। हर थ्योरी के एंड में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे कि इस थ्योरी का आउटकम क्या है और किस तरीके से हमसे पूछी जाती है, हमें एज अ स्टूडेंट इसको क्या देखना है। राइट, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री स्टार्ट विद एटम। अगर केमिस्ट्री है तो एटम से स्टार्ट होना है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर डील्स विद ओल्डेस्ट मॉडल थॉमसन मॉडल, देन वी मूव टू रदरफोर्ड मॉडल, देन डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर, आइसोटोन्स। एट दिस स्टेज आई डोंट फील आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आई विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थ्योरी जिसने एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्रिएट किया। राइट, लिखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप में से कोई अपनी नॉलेज शेयर करना चाहेगा कि सर मुझे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में ये पता है, तो मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी, एनीवन? पार्टिसिपेटिव लर्निंग होनी चाहिए। कोई 11th क्लास के बच्चे थोड़ी ना है जिन्होंने पता कुछ नहीं है। एनीवन रेज हैंड एंड आस्क एंड डिस्कस विद मी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अरे यार, बहुत जगाने पड़ेंगे। और डॉक्टर बनना है, हौसला होना चाहिए। हाँ जी, आप बताओ प्रांशु। E equals to hc by lambda, वेरी गुड। और कुछ? राइट, चलिए लिखिए, लिखिएगा पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, एंड रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इज रिलीज्ड डिसकॉन्टिन्यूअसली। रेडिएंट एनर्जी इज रिलीज्ड डिसकॉन्टिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ small energy packets, small energy packets known as quantas, or photons for light. Or photons for light. अब इस पॉइंट से हमने क्या चीज लेकर आगे चलना है? हमने कहा एनर्जी इज रेडिएटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नोन एज क्वांटास ऑफ फोटॉन्स। द की वर्ड इन दिस पर्टिकुलर लाइन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। आपके पास प्लैंक का ब्रेक थ्रू था कि लाइट और हीट डिसकॉन्टिन्यूअसली स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। राइट,
हमारे पास प्लैंक से पहले ये माना जाता था दैट एनर्जी इज कमिंग आउट कॉन्टिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, बट नाउ इट इज बिलीव्ड आफ्टर द प्लैंक हैड एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड दैट लाइट और हीट इज रेडिएटेड आउट डिसकॉन्टिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स. एनर्जी पैकेट उसने हमें समझाने के लिए टर्म लिखी, बेसिकली कंप्रेस्ड एनर्जी जोन्स हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, आप इन्हें डॉट्स की फॉर्म में देख सकते हो, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट है, बहुत तेज स्पीड से आ रहे हैं इसलिए हमें वेव दिखाई दे रहे हैं. अगर मैं अपने हाथ को ऐसे फटाफट घुमाऊंगा तो मेरा हाथ नजर आना एक स्टेज के बाद बंद हो जाएगा और सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी. तो प्लैंक ने कहा क्योंकि ये एनर्जी पार्टिकल बहुत तेज स्पीड से चलते हैं इसलिए इन एनर्जी पार्टिकल्स को हमें रे के फॉर्म में देखने को मिलता है. तो फर्स्ट पर्टिकुलर लाइन से जो कीवर्ड आपने लेना है वो डिसकॉन्टिन्यूअसली है. लिखिए नेक्स्ट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज डायरेक्टली frequency and inversely proportional to wavelength. तो प्लैंक वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें कहा कि जो एनर्जी रेडिएट आउट हो रही है वो स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में हो रही है और इसकी जो एनर्जी वैल्यू है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक क्वांटिटी का नाम फ्रीक्वेंसी है और दूसरी क्वांटिटी का नाम वेवलेंथ है. तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हीट और लाइट के बारे में जिसने डिस्क्राइब किया उसे प्लैंक कहते हैं. प्लैंक कहते हैं हीट एंड लाइट आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स और स्मॉल एनर्जी पैकेट्स एंड दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स और क्वांटस. इन फोटॉन्स और क्वांटस की एनर्जी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो इसका फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही हैं, ये फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स टू एच न्यू और E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. एच को हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, बहुत सारी जगह यूज होता है. जब प्लैंक ने एक बार दे दिया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया. इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10^-34 SI में और 6.63 इंटू 10^-27 CGS में. ये वैल्यू SI में है और ये वैल्यू CGS में, राइट? नोट कीजिए. दीक्षा आप बताएंगी मैंने स्क्रीन पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखी है. दीक्षा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखी है, कंप्लीट रीड करके बताइए. कुशा आप बताइए. एक मिनट रुक जाओ कुशा. आपने रीड किया 6.63 इंटू 10^-34 जूल पर सेकेंड. डू यू फील कुशा पर सेकेंड लिखा है मैंने? राइट. मैंने ये आपसे रीड ही इसलिए करवाया था क्योंकि हर साइंस के स्टूडेंट के दिमाग में पर सेकेंड होता है, राइट?
हर साइंस के स्टूडेंट के दिमाग पे उसकी जुबान पे चिपका होता है। वो अगर पढ़ेगा भी सोते सोते भी पूछेंगे तो पढ़ से नहीं बोलेगा, राइट। और यही चीज है एंट्रेंस में कि प्लैंक्स कांस्टेंट का क्वेश्चन विद यूनिट पूछा जाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ओनली प्रॉब्लम इज इट डज नॉट हैव पर सेकंड, राइट। और कोई भी साइंस का स्टूडेंट इसे पर सेकंड पढ़ता है जब वो केयरलेसली पढ़ता है, राइट। उसको लगता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू इस लेवल पर 12th तक आते आते सबको याद होती है, न्यूमरस टाइम यूज हो चुकी है। ओनली प्रॉब्लम इज जूल सेकेंड, राइट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट में जूल पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड है। क्लियर हो गया बेटा सबको? यही चीज हमने समझनी है। देखो इन क्लासेस में हमारा एम आपको डेफिनेशन पढ़ाना नहीं है, वो आप सारे जानते हैं। हमें ये बताना है कि आप गलती कहाँ कर सकते हैं, और इस थ्योरी ने अगर कोई चीज दी है तो उस थ्योरी का पर्पस क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड इंक्लूडेड इन सिलेबस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्लैंक इज, प्लैंक ने हमें कहा एनर्जी इज रेडिएटेड आउट डिसकंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज क्वांटास और यहां से निकलने वाली एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। प्लैंक कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो एक बार प्लैंक ने दिया और उसके बाद सारी दुनिया ने उसको यूज किया। तो कहां कहां कैसे यूज करा वो आपको अलग अलग थ्योरीज में मिल जाता है, लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंसेज क्या पता होना चाहिए, प्लैंक हर उस जगह लगाना है जहां पर एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ हीट की बात हो रही है, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कलर चेंज कीजिएगा जिसके पास जो भी कलर है अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज दिस थियरी एक्सप्लेन्स, this theory explains dual nature of light, this theory explains dual nature of light। तो अगर कोई आपसे पूछता है dual nature of light किस theory ने दिया था, तो आप कहेंगे Planck's quantum theory। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली ने दिया और ड्यूल नेचर ऑफ लाइट जो है वो प्लैंक ने दिया। प्लैंक की ये थ्योरी ही थी जिसने डी ब्रॉगली को एक फाउंडेशन दी, क्योंकि आइंस्टाइन लाइट को पार्टिकल के बारे में, कार्पस्कुलर नेचर के बारे में न्यूटन से डिराइव कर चुके थे, और उसके बाद प्लैंक और आइंस्टाइन को इकट्ठा करके डी ब्रॉगली एक कंसेप्ट लेकर। अब हमें कैसे पता कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट समझाता है, E इक्वल्स टू एन एच न्यू यहां पर, या न्यू एच यू कैन से एच सी बाय लैम्डा। ये जो N है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, इसलिए ये पार्टिकल नेचर है। वेव कभी भी पार्टिकल में कन्वर्ट की जा सकती है, मतलब फ्रैक्शन में ली जा सकती है, और वेवलेंथ जो है वो वेव नेचर है। तो लाइट इज रेडिएटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स, इसका मतलब एन पार्टिकल नेचर है, एंड इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, सो इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेवलेंथ। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ ड्यूल नेचर। पहली बार जिसने साइंटिफिक वर्ल्ड को अवेकन किया, जगाया कि जब कोई छोटी चीज बहुत तेज स्पीड से भागती है तो उसकी वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होती है। ये सिर्फ छोटी चीज के लिए नहीं होता, किसी भी चीज के लिए होता है, लेकिन हम जो है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का पार्ट है और ये इतनी तेज नहीं भागती, इसलिए हमें पार्टिकल की फॉर्म में
दिखाई देती हैं, वेव की फॉर्म में नहीं दिखाई देती, राइट बेटा। आपने कभी मिटेरॉइड्स का नाम सुना है, पुच्छल तारे भी सुने हैं। जब हम ड्राइंग बनाते हैं पुच्छल तारे की या किसी मिटेरॉइड की, तो हम ऐसे एक पार्टिकल दिखाते हैं और फिर रे दिखाते हैं। व्हाई? क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये वहां था जहां से रिलीज हुआ, उसके बाद ये बहुत हाई स्पीड से जा रहा था। जब कोई चीज हाई स्पीड से मूव करती है तो हमें वो दिखाई नहीं देती, वो रे दिखाई देती है। यही चीज पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को पहली बार प्लैंक ने बताई। उसने कहा लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब जो चीज इतनी तेज स्पीड से भागेगी उसकी एनर्जी पार्टिकल को कैसे देखोगे? और मास है नहीं, फोटोन इज अ मासलेस ऑब्जेक्ट। तो जो चीज एक्सट्रीमली स्मॉल लाइटर है और हाई स्पीड से भाग रही है उसकी वेव नेचर होगी। तो जिस थियरी ने पहली बार हमें बताया कि लाइट की वेव और पार्टिकल नेचर है, उस थियरी को प्लैंक्स क्वांटम थियरी कहते हैं। सेकंड लिखिए, एन is number of photons, n is number of photons, so it cannot have fractional value, हमने कहा photon जो है वो सबसे छोटा energy particle है, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर आपको n की वैल्यू 10 दी जाती है सही है, n की वैल्यू 5 दी जाती है सही है, n की वैल्यू 5.2 दी जाती है तो गलत है। लेकिन n की वैल्यू 5.2 × 10⁵ दी जाती है तो सही है, क्योंकि 10⁵ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल नंबर बन जाएगा, राइट। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि फोटोन और क्वांटा एनर्जी का सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में पढ़ते हो कि किसी एटम में आधा प्रोटॉन या आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। इसी तरह फोटोन और क्वांटा इज स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल्स, तो जिसकी वैल्यू जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। लिख लीजिए ऐसे, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन सेक्शन? किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी नहीं है? थर्ड लिखिए, H and C are constants so H और C की हमें combined value याद रख लेते हैं, हमारे exams में काम आती है, right? HC की common value हो गई 2 × 10⁻²⁵ जूल मीटर। तो H और C जो है वो दोनों कांस्टेंट है, ये अप्रोक्सीमेट लिखा है मैंने ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू 1.97 आती है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं, हम एच सी की एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, when energy is expressed
पर मोल। देन स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ए, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आपके पास एनर्जी की वैल्यू पर मोल में पूछी होगी एग्जामिनर ने, तो आपने एन ए एच न्यू कर देना है, राइट। अब एन ए भी एक कांस्टेंट है और एच भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मैंने फिर मल्टीप्लाई करके रख लिया ताकि मेरा एग्जाम में टाइम सेव हो जाए, जूल पर सेकेंड पर मोल, राइट। तो अगर कोई आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करना है और वहां पर मोल दिया है, तो आपको डायरेक्टली ये यूज करना है, राइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा। कौन सा पॉइंट था? फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसीज कैन बी डायरेक्टली एडेड। But wavelength cannot be added. हमने क्या कहना चाहा? अगर दो तीन चार वेव्स मिलकर एक फोटोन बना रही है, या तीन चार फोटोन से एक बड़ा फोटोन बन रहा है, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसीज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेवलेंथ को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर आप लिखते हैं न्यू इज इक्वल्स टू न्यू वन प्लस न्यू टू इज करेक्ट, आप लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इज इनकरेक्ट, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्स रिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट। तो मेरे पास ये रिलेशन कहां से आया है? मेरे पास ये रिलेशन कहां से आया है? E इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू, सो दिस इज एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू वन प्लस एच न्यू टू। तो मैंने न्यू और न्यू कैंसल, एच और एच कैंसिल कर दिए, मेरे पास ये रिलेशन। इसी तरह अगर मैं वेवलेंथ का रिलेशन निकालना चाहता हूं, तो E इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू, सो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा वन प्लस एच सी बाय लैम्डा टू। तो यहां पर ये एच सी कैंसल हो जाएगा, मेरे पास रिलेशन आ जाएगा वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन लैम्डा टू, राइट। तो अगर मुझे वेवलेंथ को यूज करना है, तो मुझे इनवर्स रिलेशन लेना है, और फ्रीक्वेंसी को यूज करना है, तो डायरेक्ट रिलेशन ले सकता हूं। नोट कीजिए, ये सारी वो चीजें हैं जो आपसे पेपर्स में गड़बड़ करवाती है। प्लैंक तो आपको आता है, लेकिन इन चीजों में आप मिक्स कर जाते। बेटा आपके पूछने से आपको ज्यादा आएगा। अगर आपको सब क्लियर है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड।
लेकिन आपको क्लियर नहीं है और आप पूछ नहीं रहे हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम। आज क्लियर है, लिख लिया सबने? गुड गुड मानव, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिव लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स, एच हैज यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एमवीआर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो एमवीआर के यूनिट और एच के यूनिट सेम है, तो इसका मतलब जो एच की वैल्यू आपने लिखी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, आप इसको यूनिट यहां से दे सकते हो किलोग्राम, यहां से दे सकते हो मीटर पर सेकेंड, और आर से दे सकते हो मीटर स्क्वायर। तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा है तो भी वो सही है, डायमेंशनली करेक्ट बन जाएगा खुद ही। तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी की जगह ग्राम हो गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, पर सेकेंड हो गया। तो एच के यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट एंगुलर मोमेंटम के यूनिट होते हैं, राइट? तो जब एक स्टूडेंट ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रिवाइज कर ली तो उसके लिए क्या क्या जानना जरूरी है? नंबर वन, दिस थ्योरी इज द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। नंबर टू, एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज। नंबर थ्री, एच सी आर कॉन्स्टेंट एंड वी कैन हैव अ कलेक्टिव वैल्यू 2 × 10⁻²⁵। नंबर फोर, अगर मुझे पर मोल में दिया होगा तो मुझे एन को एवोगैड्रो नंबर लेना है। नंबर फाइव, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल, बट डायरेक्ट एडिशन ऑफ वेवलेंथ इज नॉट पॉसिबल। एच के यूनिट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के यूनिट होते हैं, इसलिए हिजनबर्ग ने भी इसको यूज किया, एच अपॉन फोर, बोर ने भी इसको यूज किया, एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट इज एनएच अपॉन 2π। सो एच इज प्रेजेंट एनीवेयर वेयर सो एवर रिलेशन इज बीइंग क्रिएटेड विद मोमेंटम। डी ब्रॉगली ने इसको यूज किया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी, एमवी क्या था? मोमेंटम। तो जहां भी मोमेंटम की बारी आ रही है तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, छोटे छोटे पार्टिकल की दुनिया में एच को यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? सो विदाउट वन टू क्वेश्चंस देयर इज नो सेंस ऑफ टीचिंग, सो राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इट। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्पीड भी अच्छी रखिए और चैट में लिखिए। क्लास सबसे अच्छी तब लगती है जब दो चार बच्चों के वीडियो ऑन हो और वो बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहे, हैंड रेज करें, कुछ पूछना है, बताना है, इंटरेक्शन करना है ना। बाकी आपकी मर्जी है, ऑनलाइन में आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इफ वेवलेंथ इज 4000 angstrom करिए, आंसर चैट में लिखिए। इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए।
यूनिट्स कहाँ है, वैल्यू कहाँ है, एनर्जी जूल्स में होगी, जूल्स में निकाली। नहीं आएगा राइट। तो आपने आंसर जूल्स में निकाला है, यूनिट्स नहीं पता तो फिर पता ही नहीं ना एनर्जी किसमें निकली। यहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है 4 × 10⁻¹⁷ मीटर्स। लैम्डा इज इक्वल्स टू एट सी बाय लैम्डा, सो इट इज 2 × 10⁻²⁵ जूल मीटर डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻¹⁷ मीटर्स। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ 0.5 × 10⁻¹⁸ जूल्स, दैट इज 5 × 10⁻¹⁹ जूल्स। यूनिट्स आर की टू सक्सेस। मानव आपके यूनिट्स में 10⁻⁴ में गड़बड़ है, बाकी ठीक है। ईशा आपका आंसर ठीक है, पर आपने 2 × 10⁻²⁵ यूज नहीं किया, देखा से एच और सी को यूज किया है ना। देखिए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, what will be the wavelength of photon if it provides 240 किलो जूल पर मोल। आपको वेवलेंथ ऑफ फोटोन बताना है, अगर जो एनर्जी सोर्स से आ रही है वो 240 किलो जूल पर मोल है। करियर कोशिश कीजिएगा, जो फॉर्मूलाज अभी सीखे हैं उसके जरिए करें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हो सकता है पार 14 आ रही है, ऐसी तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि वेवलेंथ इतनी बड़ी मैं दूंगा नहीं। बाकी मैंने ऐसी हाइपोथेटिकली बनाया, हो सकता है डाटा में गड़बड़ मुझसे हो गई हो, चांस कम है, बट स्टिल अगर आप कह रहे हो सकता है। हाँ जी बेटा ठीक है, मानव गुड, देखते हैं अभी चेक करते हैं, एटलीस्ट यू आर पार्टिसिपेटिव, दैट्स गुड। बाकी भी दौड़ो यार, रेस लगानी है। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। हमारे पास E इज इक्वल्स टू NaHc बाय लैम्डा हम लगाएंगे, और Na और H की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा हमें पता लगाना। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻¹⁰, सी की वैल्यू 3 × 10⁻¹⁸, और एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है 240 किलो जूल।
तो 10^3। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 3 8s are 24, then this is 20. So what is the outcome? 2 × 10^4, 14, 6. 5 × 10^-7 meters. देखिए बेटा जी, ये सारी गलतियां ही तो गड़बड़ कराती हैं। पेपर के बाद कोई बच्चा बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करता। ब्लंडर जो होता है वो कंसेप्ट को अप्लाई करने में ही होता है ना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा 10^10 हायर पॉजिटिव आएगी और वेवलेंथ 10^10 हायर नेगेटिव आएगी, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट है, राइट। बड़े ऑब्जेक्ट होंगे तो वेवलेंथ बड़ी होगी, फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाएगी, राइट। लेकिन जब मेरे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगी और वेवलेंथ छोटी होगी, राइट। मैंने जब आपने आंसर दिया प्रियांशु, मैंने क्या कहा, मुझे नहीं पता सही है या गलत है, क्योंकि मैंने ऐसी रैंडमली डेटा बनाया, लेकिन 10^10 अपील नहीं कर रही। क्या तो आपकी कैलकुलेशन एरर है या मेरा डेटा एरर है, राइट। तो हमारे पास E=NaHcLambda, तो वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 5 × 10^-7 मीटर। आई होप आप सभी समझ पाए हैं मैंने किस लिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज कराए हैं, है ना। मैंने जो आपको फॉर्मूलाज दिए हैं वो मेरा 25 साल का तजुर्बा है। मुझे पता है कि आप वो सारी चीजें तभी सही टाइम पर करेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम पे करेंगे और केयरलेसली मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। एग्जाम में कोई 50% बच्चे तो ऐसे होते ही हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रिजल्ट 10% के आते हैं। वो 40% जो पीछे जा रहे हैं या किसी वजह से गड़बड़ हुई है, उसकी वजह यही है कि वो जल्दबाजी में, डाटा इंटरप्रिटेशन एरर है, कहीं ना कहीं यूनिट्स मिसमैच है, क्योंकि यूनिट्स की आदत नहीं है, है ना। मैंने जब ये फॉर्मूला लगाया, इसका यूनिट मैंने लिख के दिया था आपको, क्या लिखा था, जूल पर सेकेंड पर मोल। इस लैम्डा का यूनिट क्या है, मीटर। इसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, जूल सेकेंड था, सॉरी मैं भी बच्चों वाली गलती कर रहा, जूल सेकेंड था। तो ये मेरे पास सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल हो गया, तो दोनों तरफ मीटर आ गया। इसका पर सेकेंड काट दीजिए, इट शुड बी जूल सेकेंड पर मोल। हाँ जी, कोई क्वेरी किसी स्टूडेंट की। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक सिंपल थ्योरी है, इसमें सोचने वाली जो चीजें हैं वो मैंने 5-6 पॉइंट्स में आपको समझा दी हैं। तो आपने उस थ्योरी पे द्वारा से काम करना है, जो असाइनमेंट आपको भेजी जाएगी उसके आपने सॉल्यूशन करके अगली क्लास में वो डिस्कस करेंगे, राइट। अगली थ्योरी ले रहे हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन सेक्शन वुड लाइक टू डिस्कस हिज और हर नॉलेज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Raise your hands. मुझे ज्यादा देर लगेगी आप लोगों को जगाने के लिए, हैं? हाँ मानव बोलिए बेटा। बोलिए बेटा।
एमिशन ऑफ लाइट एंड फोटॉन्स, ओके, और कुछ? ओके, चलो कुछ तो समझाया, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, गुड वन। ईशा माइक से नहीं कर सकती अनम्यूट करके, अच्छा लगेगा हमें सुनने में, चैट में आपको टाइम लगेगा बेटे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हिमांशी बताइए आप बेटा। वेरी गुड हिमांशी, हिमांशी सुटेबल वर्ड का मीनिंग समझा सकोगी? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, लिखिए, राइट, लिखिए, इट इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ, व्हेन द लाइट ऑफ suitable frequency, when the light of suitable frequency falls on it, the phenomena hai emission of electrons from the metal surface when the light of suitable frequency falls on it. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सुटेबल फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इसको कहूं इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस और सुटेबल वर्ड काट दूं और सिर्फ ये सोचूं व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, तो मैं डे टू डे लाइफ में न्यूमरस ऑब्जेक्ट मेटल्स के यूज कर रहा हूं। मैंने रिंग पहनी हुई है मेटल की है, राइट, मेरे टेबल लगे हुए हैं सब मेटल के हैं, सब पे लाइट आ रही है। अगर लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मुझे करंट लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मींस करंट। तो अगर लाइट कोई भी फ्रीक्वेंसी की किसी भी मेटल सरफेस से फोटो एमिशन करवा पाए तो हम कोई भी समान मेटल का यूज ना कर पाए, क्योंकि हम जहां भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां लाइट तो है ही, हमारी लाइफ फोर्स है, राइट। तो अगर लाइट का फोटोन आकर मेटल से टकराता है और कोई भी फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन में निकाल देता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में मेटल का बना हुआ यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन फोटो एमिशन सिर्फ तब होगी जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी। लेकिन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज द सम टोटल ऑफ, इज द सम टोटल ऑफ threshold energy and kinetic energy मैंने आपको कहा कि मैं पहले थ्योरी के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर उसकी लाइनों के अंदर के क्या मीनिंग है, कहां पर आपका फोकस होना चाहिए, उस चीज पर कमेंट करो। तो पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है,
फिर मैंने कहा फॉर्मूला कहां से बनेगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट होता है जो आ रहा है टकरा रहा है, इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी जो सरप्लस एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इंसिडेंट फोटोन को हमने ई लिख दिया, थ्रेशोल्ड को हमने ई नॉट लिख दिया, और इसे हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स है जो एक मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है। एक मेटल की किसी भी एक्सपेरिमेंट में थ्रेशोल्ड फिक्स रहेगी। ई वेरिएबल है जो मेरे हाथ में है, मैं कितनी एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पे टकरा रहा हूं। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में बर्डन कहां आता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे, क्योंकि ई गिवन है जिससे जा रहा है फोटोन, ई नॉट मेटल की थ्रेशोल्ड है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है। ए बी सी तीन स्टूडेंट सेम मेटल सरफेस पे काम कर रहे हैं, तीनों अलग अलग फोटोन दे रहे हैं, तीनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है क्योंकि ई की वैल्यू उन्होंने डिफरेंट ली है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेजर वर्क कहां रहता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ई माइनस ई नॉट, और प्लैंक के हिसाब से ये है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो ये वैल्यू हो गई एच इंटू न्यू माइनस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी यूज होनी है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एज के इज अ पॉजिटिव फंक्शन। फंक्शन का मतलब प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स। न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। इसका मतलब है जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। नोट कीजिए सभी, ऑनलाइन वाले थोड़ा ध्यान रखें, नोट करते के बाद आप थम्स अप दिखा दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने नोट कर लिया है। वेरी गुड, गुड वर्षा, गुड दीक्षा, अनिता। तो मैंने कहा अब इसी तरह से मैं फ्रीक्वेंसी की जगह पर वेवलेंथ लिख सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा। अब आपके पास एच सी को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट। ये एक और फॉर्मूला आ गया, लैम्डा मस्ट बी स्मॉलर देन लैम्डा नॉट। तो हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वेवलेंथ की वो लैम्डा नॉट से छोटी होनी चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, तभी फोटो एमिशन देखने को मिलेगी, राइट? तो फोटो एमिशन का मतलब है फोटोन का मेटल सरफेस से निकल जाना व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। जो भी लाइट मेटल सरफेस से जाकर टकराएगी, बम्बार्ड करेगी, वो दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक वो एनर्जी जो थ्रेशोल्ड के लिए चाहिए, और एक एनर्जी सरप्लस जो करंट के फ्लो के लिए चाहिए। करंट का फ्लो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट? लिखिएगा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही है, डेफिनेशन में तो कुछ नहीं है, तो दो लाइन की होती है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, एवरी मेटल, every metal has constant threshold energy
which depends upon nuclear force of attraction. It is also known as, it refers to threshold. It is also known as ionization energy. Ionization energy. तो हमने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी हर मेटल की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है, वो उसके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है. इसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम आयनाइजेशन एनर्जी है. थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम वर्क फंक्शन है. थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स तोड़कर बाहर आएगा. अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए सर्टेन मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जब तक अवेलेबल नहीं होगी, फोटोन इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करवा पाएंगे. राइट, लिखिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट. फॉर फोटो एमिशन / फोटो करंट frequency of incident photon, must be greater than threshold frequency. And wavelength of incident photon must be less than critical wavelength. बेटा कई बुक्स केयरलेसली लैम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड लिख देती हैं. हमें भी टेस्ट में थ्रेशोल्ड करके ही लिखना पड़ता है. बट अगर लॉजिकली देखें, केमिस्ट्री की कोर रीजनिंग बुक से देखें, तो लैम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं कहा जाता, क्रिटिकल वेवलेंथ कहा जाता. हमने कहा फोटो एमिशन तभी होगी, इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएंगे, फोटोन के स्ट्राइक करने से करंट तभी फ्लो करेगा जब आके टकराने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी. जो मेटल सरफेस से आके टकरा रहा है फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ इंसिडेंट क्रिटिकल से कम. दो, सबको ये बात समझ में आती है. हमने कहा पहला पॉइंट है थ्रेशोल्ड के बारे में. थ्रेशोल्ड क्या चीज होती है? हमने कहा थ्रेशोल्ड हर मेटल की एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी है, जो देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. अगर जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं.
हमने कहा एक मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। जितनी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो अगर मेटल सेम है तो थ्रेशोल्ड कांस्टेंट है, मेटल डिफरेंट है तो थ्रेशोल्ड वेरिएबल है, इट कैन नॉट बी सेम। तो आपके पास मेटल सेम रहेगा तो थ्रेशोल्ड सेम रहेगी, और मेटल बदलेगा तो थ्रेशोल्ड बदल जाएगी, क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्राइकिंग फोटोन की प्रॉपर्टी पूछे तो अभी प्लैंक में हमने पढ़ा कि फोटोन की दो ही प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी का नाम है फ्रीक्वेंसी, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और वेवलेंथ जो है वो क्रिटिकल वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। क्लियर है? लिखिए अगला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर एज फोटॉन सॉरी एज एनी नंबर ऑफ फोटॉन with frequency less than threshold cannot produce photocurrent. Kinetic energy is independent of intensity of photons. But हमने कहा कि जो kinetic energy है वो intensity से independent है। जब आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ दिया उसने ये हमें बताया कि ये पार्टिकल नेचर का प्रूफ हो गया, क्योंकि पार्टिकल एक से ज्यादा एक स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। हमारे पास हमने ग्राफ क्रिएट किया एक्सपेरिमेंट से, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी को रखा, एक तरफ इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ए यूनिट सरफेस। तो हमने क्या पाया कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट चल रही है, कंडीशन प्रोवाइडेड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन does not change with change in intensity। समझ आती है मेरी बात? हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन और प्लैंक का कलेक्टिव एफर्ट था, प्लैंक थ्योरी थी, आइंस्टाइन प्रूफ था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से जाने जाते हैं। उन्होंने ये प्रूफ करके दिया कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है, और पार्टिकल नेचर का प्रूफ ये है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है।
तो आपसे आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में रीजन में आ जाता है कि आपके पास कैसे प्रूव हुआ कि पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर का सबसे बड़ा प्रूफ ये ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, राइट। नोट कीजिए ग्राफ। आपके पढ़ने के लिए आज क्लास के बाद यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जहां पर आपका फोकस होना चाहिए कैसे कैसे वेरिएशन आ रही है, राइट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे रहता है। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ बनाया तो हमारे पास की वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा कुछ देखने को मिला। दिस इज न्यू नॉट फॉर मेटल ए, दिस इज न्यू नॉट फॉर मेटल बी। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन दो अलग अलग मेटल की सेम वैल्यू से नहीं बढ़ रही है, राइट। आपके पास यहां पर न्यू नॉट ऑफ मेटल बी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट ऑफ मेटल ए। तो बेटा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, ए और बी? विच वन विल बी रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव, ए और बी? ए। जिसकी थ्रेशोल्ड कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, सो इज मोर रिएक्टिव मेटल। एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है ए और बी दो अलग अलग मेटल दे दिए, सोडियम पोटेशियम दे दिए, लिथियम सोडियम दे दिए, आपको पॉइंट करना है ए कौन सा है और बी कौन सा है, ए लिथियम है या बी लिथियम है। एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, रोक दीजिए पेन जहां पर आप हैं। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्स एक्सिस न्यू नॉट की वैल्यू है, जब तक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट पे नहीं पहुंच जाती तब तक कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ग्राफ कह रहा है दिस वैल्यू कीप ऑन मूविंग एट जीरो, काइनेटिक एनर्जी रिमेन जीरो, इवन न्यू नॉट आने पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब तक न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा नहीं होगी तब तक काइनेटिक एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी जब न्यू नॉट से आगे जा रही है तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मेटल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइकिंग मेटल सरफेस इज मोर देन थ्रेशोल्ड, करेक्ट। दो डिफरेंट मेटल आ गए, एक का पॉइंट ए एक का पॉइंट बी, बी वाले की थ्रेशोल्ड ज्यादा दिखाई है, इसका मतलब बी वाले का इलेक्ट्रॉन मूव करवाना मुश्किल है, बी वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड किया है, राइट। तो जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाता हूं
तो मुझे ना बच्चे बहुत याद आते हैं, है ना, किस तरह से थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है जिसके बाद करंट का फ्लो होना, थ्रेशोल्ड जिसका ज्यादा होगा करंट का फ्लो कम होगा, और क्लास में करंट के फ्लो का मतलब क्या है, लर्निंग टेम्पो, लर्निंग किसकी ज्यादा अच्छी होगी जिसका थ्रेशोल्ड कम होगा। टीचर ने बोला क्वेश्चन करने हैं, फटाफट हो गए, टीचर ने कहा असाइनमेंट करनी है, फटाफट हो गए, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड कम है, टीचर ने थोड़ा सा एफर्ट लगाया और करंट भागना शुरू हो गया। दूसरे बच्चे जिनका थ्रेशोल्ड ज्यादा है वो कौन से होते हैं, ना जी मैं तो ऐसे ही पढ़ना है, ना जी मैं तो गूगल ही करना है, ना जी मैं तो चैट ही करनी है, मुझे तो नींद बहुत आती है, मुझे तो काम ही नहीं करने दिल करता, मुझे केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है। अब फ्लो कैसे होगा, उसकी थ्रेशोल्ड ज्यादा है, अब मुझे बार बार फोटोन टकराने पड़ेंगे, राइट, हर बार मैं फोटोन और ज्यादा पावर में फेंकूंगा, अब तो करंट फ्लो करेगा, राइट। तो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी वो सर्टेन मिनिमम एनर्जी है जिसके बिना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होना है। जब तक इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं होगी तब तक फोटो एमिशन नहीं होगी। हाँ जी दीपांशी बोलिए बेटे। वो बेटा पीरियोडिसिटी बेस पर आएगा, है ना, तो जब कोई टीचर आपसे ये ए और बी मेटल आइडेंटिफाई करेगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन बना दे रहा है। अब सपोज लिथियम और सोडियम की बात हुई, डाउन द रोड मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है तो लिथियम का थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा और सोडियम का थ्रेशोल्ड कम होगा। अगर यहीं पे मैंने सोडियम और लिथियम दिए होते तो लिथियम ए सोडियम बी, अब मैंने लिथियम और बेरिलियम दे दिया, बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो लिथियम ए हो गया बेरिलियम बी हो गया। तो ये क्वेश्चन हमेशा पीरियोडिसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ब्लेंडिंग से होगा, इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे। तो मुझे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पता होना चाहिए और थ्रेशोल्ड के ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। हाँ जी दीपांशी क्लियर हुआ बेटे, राइट। सो हमारे पास थ्रेशोल्ड पॉइंट विल बी डिफरेंट इफ मेटल हैज डिफरेंट रिएक्टिविटी। थ्रेशोल्ड पॉइंट विल इंडिकेट हाउ इजीली वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन, राइट। तो करंट के फ्लो को रेगुलेट कौन करता है, इंटेंसिटी करती है। लिखिएगा लास्ट पॉइंट, सैचुरेटेड फोटो करंट, सैचुरेटेड फोटो करंट इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड It depends upon, it depends upon intensity of photon, intensity was basically. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सैचुरेटेड फोटो करंट किस चीज पे डिपेंड करता है तो पहले तो आपको सैचुरेटेड फोटो करंट पता होना चाहिए। सैचुरेटेड फोटो करंट का मतलब है कितना करंट प्रोड्यूस होगा, तो सैचुरेटेड फोटो करंट मींस कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फोटो करंट होगा, तो फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो मेरे पास इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है और फोटो करंट डिपेंडेंट है,
यही एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन था पार्टिकल और वेव नेचर का, राइट। तो हमारे पास सैचुरेटेड फोटो करंट का मतलब है कितना करंट एक यूनिट सरफेस से प्रोड्यूस होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना फोटो करंट होगा। ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि इंटेंसिटी जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। और ये ग्राफ नॉन जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब तक नहीं आएगी जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कवर नहीं होती। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं अटेन होती तब तक कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट। नोट कर लिया ग्राफ। वर्षा आप समझाएंगी क्या समझाया हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? एनीथिंग यू कुड एक्सप्लेन? कोई बात नहीं, दो चार दिन में सुनने लायक हो जाएंगे। अनीता आप बताएंगी क्या समझा आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से? चलिए, तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का प्रूफ था। इसने कैसे प्रूव किया? बाय मींस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ फोटोन ऑफ 3 × 10⁻¹⁴ per second strikes metal surface and threshold frequency is 2 × 10⁻¹⁴ per second. बेटा जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं इस एक्सपेरिमेंट में वो हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। जो आप फॉर्मूले में लिखते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उससे कम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन भी हो, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। हाँ जी, कोई आंसर नहीं आया ऑनलाइन से अभी तक? कितना आप माइनस 30 है खाली एच नहीं था बार ये तो सोच रहा था, ये तो सिंपल फॉर्मूला था एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट 6 × 6.63 × 10⁻¹⁴ −34 × 3 × 10⁻¹⁴
माइनस टू इंटू 10 to the power 14, सो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 6.63 इंटू 10 to the power -20 joules. हाँ जी, कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को नहीं है? लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए. ऑल्सो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी. व्हेन सेम मेटल सरफेस इज इरेडिएटेड विद फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्री सॉरी 6 × 10 to the power 14 हर्ट्स. जो पिछले क्वेश्चन में हमने मेटल लिया था, उसी मेटल सरफेस पर मैं एक फोटोन भेज रहा हूं. इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी 6 × 10 to the power 14 हर्ट्स है. आप बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. क्योंकि मेटल सेम है तो न्यू नॉट की वैल्यू सेम रहेगी. यहां पर 6.63 × 10 to the power -34 लिखा हमने, यहां पर 6 × 10 to the power 14 लिखा. ये 2 × 10 to the power 14 था, तो मेरे पास ये आ गया 6.63 × 4 × 10 to the power -20 joules. अच्छा लगा मानव, आपका आंसर मिला. अब इस क्वेश्चन का मेरा एम क्या था? व्हाट गिवन यू, आपको जो पिछला न्यूमेरिकल मैंने दिया था उसमें इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थी 3 × 10 to the power 14, यहां पर है 6 × 10 to the power 14. सो आर यू एबल टू नोटिस सम रिलेशन बिटवीन दम? फ्रीक्वेंसी बिकम्स टू टाइम्स. मैंने फ्रीक्वेंसी को 2 times किया लेकिन जो एनर्जी थी वो 4 times हो गई. इसका मतलब है अगर आप फ्रीक्वेंसी को 2 times चेंज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 2 times चेंज नहीं होगी. इट कैन बी समवट मोर देन दैट. इट कैन बी 4 times, इट कैन बी 3 times. It can be something more than 2 times. Why it is so? Because nu naught is constant, right? आपके पास इस numerical का outcome क्या है? वो note डाल के लिखना है आपने. Note डाल के लिखिएगा. If frequency of incident photon increases by 2 times, then kinetic energy will increase
बाय मोर देन टू टाइम्स, बाय मोर देन टू टाइम्स एज न्यू नॉट इज कॉन्स्टेंट. आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मोर देन टू टाइम्स से चेंज होगी. यही चीज आपको यहां से कंक्लूड करनी है. आज हमने दो मेजर टॉपिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के किए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट और हीट का बेसिक थ्योरी है जो उनके फॉर्मूलाज बताती है. वो कहता है एनर्जी इज रेडिएटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स और पार्टिकल्स नोन एज क्वांटास और फोटॉन्स. के ड्यूल नेचर ऑफ लाइट बताती है. वेव नेचर ऑफ लाइट प्लैंक से पहले बहुत सारी थ्योरीज के जरिए हमें पता था. पार्टिकल नेचर पहली बार प्लैंक ने एक्सप्लेन की और उसका एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कैसे दिया? बाय एक्सप्लेनिंग दैट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. राइट? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी फ्रॉम एनी स्टूडेंट? नहीं है अभी बेटा. जितने स्टूडेंट यहां पर प्रेजेंट हैं वो इस चीज पे ध्यान दें. बेटा मैंने एक बैच क्रिएट करना है आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और मोबाइल ऐप पर एक कोर्स क्रिएट होगा. तो आप सभी बच्चे इस फोन नंबर पे दो नंबर मुझे सेंड करें. एक स्टूडेंट के नाम से सेव होना है, एक पेरेंट के नाम से सेव होना है. राइट? तो जान तो बेटा हमारे पास ये नंबर लिख लीजिए 8699433881. इस नंबर पे आपने दो मैसेजेस, दो नंबर भेजने. एक स्टूडेंट नेम से सेव होना है, एक पेरेंट नेम से सेव होना है. उसके बाद आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और एक ऐप पे कोर्स बन जाएगा. ऐप पे जो कोर्स बनेगा उस पे हर लेक्चर वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा और टेस्टिंग जो होगी वो उसी ऐप के थ्रू होगी. राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? नहीं है. असाइनमेंट रजिस्टर अलग लगाना है और असाइनमेंट उसी में सॉल्व करनी है. आज असाइनमेंट भी आपको ग्रुप के थ्रू भेजी जाएगी, तो आप जितना जल्दी ये सेंड करेंगे मैं आपको असाइनमेंट भेज पाऊंगा. कैन वी लीव नाउ? एनी क्वेरी?